गढ़वा बाईपास सड़क निर्माण में जुटी कंपनी शिवालय कंस्ट्रक्शन के का जो निर्माण साइट है वहां से तेल की चोरी होती है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे सामने चोरी हुई है या हमने कभी तेल निकालते किसी चोर को देखा है, बात यह नहीं है। वहां से तेल की चोरी होती है, अब कब से चोरी हो रही है या तो जो चोर गिरफ्तार हुआ है उससे जो पूछताछ हुई है उसके बाद यह खुलासा होगा, लेकिन हम फिलहाल आपको जानकारी दें कि वहां से तेल की चोरी होती है। हम आपको यहां बताएंगे एक बात, पहले की बात है, मोहम्मदगंज में बराज पुल का निर्माण हो रहा था। कहा जाता है कि ऐसे बड़े निर्माण जहां पर होते हैं वहां पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कभी कभार तो वहां के कर्मियों की भी मिलीभगत होती है कि जब सुबह से देर रात तक गाड़ियां चलती है निर्माण कार्य में जुटी रहती हैं, तो तेल की बिक्री भी लोग करते हैं, तो वहां के जो कर्मी होते हैं वो तेल को यूं ही बालू में गिरा दिया करते हैं। मोहम्मदगंज की घटना है, लगातार वहां पर होती थी। वहां पर तेल उस जमाने में जो तेल की कीमत थी उससे कम कीमत में ही तेल लोग बेच दिया करते थे। ये तो वहां की बात होगी, खैर हम यहाँ की बात अगर करें तो शिवालय कंस्ट्रक्शन का साइट जहां पर है, जहां पर सभी सामग्रियां रखी रहती हैं, वहीं पर तेल भी रखा हुआ है, उसी तेल की चोरी होती है। यह ज्ञात तब हुआ, वहां के कंपनी के जो लोग हैं, जो कर्मी हैं वहां पर, उन्हें भी जानकारी नहीं थी। यह जानकारी तब हुई जब दो चोर को पकड़ा गया। आज अहले सुबह शहर थाना प्रभारी को एक सूचना मिलती है कि दो चोर हैं जो तेल चोरी करके भाग रहे हैं। जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी करने वाले जो एसआई हैं रिजवान अंसारी, उनके साथ कुछ दल बल को लेकर के वो पहुंचते हैं और आरोग्यम अस्पताल के आसपास उन्हें पकड़ा जाता है। वो बाइक से तेल को लेकर जा रहे थे, उन्हें जब पकड़ा गया तो उनके बाइक पर जो बंधा हुआ तेल था उसकी भी बरामदगी हुई। 150 लीटर वह तेल है डीजल, जिसकी चोरी करके वो वहां से भाग रहे थे साइड से। उन्हें पकड़ा गया, उन्हें थाने लाया गया, उनसे पूछताछ की गई, तब दोनों चोर द्वारा बताया गया कि वह जो शिवालय कंस्ट्रक्शन है जो बाईपास के निर्माण में जुटी हुई है वहीं से वह उसी साइड से तेल की चोरी कर रहे थे और वहीं से तेल को चोरी करके वह भाग रहे थे। दोनों चोर को आप देख रहे होंगे थाना से उन्हें बजाप्ते जो अब कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा आवेदन दिया गया, उसके आवेदन पर आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई दोनों चोरों के विरुद्ध और उन्हें गिरफ्तार करके बजाप्ते जेल भेजा जा रहा है। आप वीडियो में देख रहे होंगे यही वो दो चोर हैं जिनके द्वारा उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइड से तेल की चोरी की गई थी। अब उनसे पूछताछ में क्या जानकारी मिली है पुलिस को, इसका खुलासा जब होगा तो हम आपको उस जानकारी से भी अवगत कराएंगे कि वहां से उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइड से कब से इनके द्वारा तेल की चोरी की जा रही थी। यहाँ पर एक बात और हम बताएंगे आपको कि यह दोनों चोर जो हैं वह कुछ अरसा पहले तक उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूर के रूप में काम किया करते थे, बाद में उनके द्वारा काम वहां पर छोड़ दिया गया। आज इस काम के दरमियान ही उनके द्वारा सारा कुछ देखा गया, कहां पर क्या रखा हुआ है, तो उनके द्वारा तेल भी देखा गया होगा। अब पुलिस यहां पर यह मान के चल रही कि मजदूर के रूप में जो ये लोग काम कर रहे थे दोनों, तो क्या मजदूरी के लिए काम कर रहे थे या इस जानकारी के लिए काम कर रहे थे कि वहां पर हमें चोरी करनी है तो सामान कहाँ पर रखा हुआ है, तेल कहाँ पर रखा हुआ है, इसकी जानकारी के लिए काम कर रहे थे या मजदूरी के लिए काम कर रहे थे। अब साथ में अभी बात आ रही है कि जब वहां पर काम करना छोड़ दिए थे तो क्या कुछ ऐसी बात उनके साथ कुछ बात हुई थी जिससे नाराजगी के कारण उनके द्वारा काम छोड़ा गया और वही इंटेंशन में उनके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। खैर या पूछताछ में जो बात सामने आएगी, जो खुलासा होगा आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यही जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि शिवालय कंस्ट्रक्शन जो बाईपास सड़क निर्माण में जुटी हुई है उस कंस्ट्रक्शन के साइड से तेल की चोरी होती है। इस जानकारी से आप अवगत हो लीजिए। दो चोर को शहर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिस चोर को हमने वीडियो में आपको दिखाया भी यही वो दो चोर हैं जिनके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। धन्यवाद।